नमस्कार, हूँ डॉक्टर चेतन आसलिया, राजकोट खाते प्रेक्टिस करूँ छूँ। छेल्ला 23 वर्षथी राजकोट में साइकाट्रिस्ट तरीके प्रेक्टिस करूँ छूँ। आज हूँ एक नानो वीडियो छूँ जे हूँ डिप्रेशन पर कहवा माँगु छू। डिप्रेशन एक बीमारी है जो मगजनी बीमारी कही सकते। आइडियली जे इमोशन है, लागणीओ है, यहाँ एक लागण है दुख रहू, दुखी रहू, हताशा, एना विषय आ बीमारी है। जे मानस ने खुशी अहसास थत हो अहसास अपने बंद थी जाए तरह यूजली दुखी लागण अपने वे अनुभवाती हो। डिप्रेशन की अंदर मगजनी अंदर एक चौक्स प्रकारना केमिकल फेरफार थे जेनी हिसाबे मणस ने खुशी अहसास ना थे। मणस ने उदासी लगे, हताशा लगे, बेचैनी लगे, कंटाड़ो आए, काम कर स्फूर्ति ना रे, एटेन्शन कॉन्सन्ट्रेशन फोकस ना रे, काम करने मजा न आए। जे वस्तु पहला अपने गमती थी, टीवी जो, सीरियल जो, बाहर जाव, रमव, फ्रेंड सर्कल में जाव, पड़ोसी में बात करवी, ए वस्तु ज आपने गमे नहीं। एमांथी जे फीलिंग आवतो, आपने जे खुशी अहसास थतो हतो, ए अहसास आपने न थाय। मतलब कि एक बीमारी छे जे मणसना केमिकल फेरफार हिसाब से जे इमोशन छे, खुशी इमोशन छे, एने कट डाउन करना। एटले मणस हमेशा हताशा में रहे, जेना भागरूपे ऊँघ ना आवे, जमवानुं भावे नहीं, वजन में घटाड़ो थाय, घणी वार शारीरिक लक्षणों जेवा के माथानो दुखावो छे, बराबर छे, खोटा विचारों बहु आवा छे, अने वेट घटवा मंडे, अशक्ति लागे, कॉन्फिडन्स ओछो थई जाय, अने एक आशा मूकी देवाय कि भाई मने कोई सारूं थवानी शक्यता नथी, हवे मने सारूं नहीं थाय। एटले माणस एक हताशामां सरी पड़े, एटले जेमां घणी वार दर्दीओनी घणी एवी फरियाद होय छे कि आ कंडિશનમાં અમારા સગાવાલા છે અમને સમજી નથી શકતા, अमने सलाह आपे छे के तमे खुश रहो, अपने कहीं घर में कहीं घटतू नहीं, कहीं चिंता करवानी जरूर नहीं, चिंता छोड़ी दियो, चिंता ना करो, विचार ना करो। साची बात है एक सलाह तरीके, पर एक जे दर्दी है इने आवी सलाहों कोई उपयोगिता होती नहीं, कारण के एक बीमारी है जेनी अंदर एक चौक्स प्रकार केमिकल फेरफार भागरूपे इने अमुक दवाओं की जरूर पड़ती हो। दवा आपवाथी दर्दीओ है धीरे धीरे एमांथी बहार निकली जतो होय, कारण के यूजली दवाओ है अमुक लांबो समय लेवी पड़ती होने घनी बड़ी मान्यता हो मानसिक रोग की दवा चालू करिए तो घो समय लेवी पड़ती हो ना, एवं नहीं, आनी अंदर दवाओ है अमुक चौक्स प्रकार समय लेवी पड़ती हो। हाँ, एवरेज एने मटता 2 महीना 3 महीना एवरेज थता हो, कोई ने वेलू मटी सके, कोई ने घनी वार लगे, पर यूजली मटी गया पछी अमुक समय दवाओ लांबो समय लेवी पड़े जेथी के बीमारी वारंवार न थाय अने रिकरन्स न थाय एना माटे लेवी पड़ती होय छे। दवाओ छे आ जमानामां खूब ज सारी, घणी बधी सारी, घणी बधी साइड इफेक्ट वगरनी होय छे, अने वो पेशेंट ने अनुरूप होय ई प्रकारनी दवा होय छे। कारण के शरूआतमां जरूर पड़ती होय तो नींदर माटे पण दवा आपवी पड़ती होय छे, कारण के जो एनी सारवार करवामां न आवे समयसर तो बीमारी छे गंभीर रूपमां जती रहे, जेमां दर्दी पोतानी आशा मूकी सके मने कहीं कोई चौक्स मने सूझत नहीं, मैंने कहीं सारूँ लगत नहीं, हूँ मारो एक निर्णय लई न सकते, हूँ बधाने भाररूप छू, कदाच आना करता मरी जाऊँ सारूँ, तो एक सुसाइडना विचार है। अने जे घनी वार प्लान सुसाइड करवाना आइडिया में कन्वर्ट थी जाते हो, तो आवी गंभीर बीमारी ने एक सीरियसता लई एक समाज ने उपयोगी रीते थोड़ी सलाह आपी, अने जरूर पड़े तो आवा कोई दर्दी हो तो एने बात करी, अने नजीकना कोईपण डॉक्टर जाणीता है, फेमिली डॉक्टर है, फिजिशियन है, એટલે જાણે તો કોઈ સાયકાટ્રિસ્ટ છે એના કોન્ટેક્ટમાં જઈએ તો આપણને એક સારી માર્ગદર્શન અને સલાહ મળી શકશે। તો જરૂરી છે કે આ દુનિયાને, આ વિશ્વને એક ડિપ્રેશનમાંથી મુક્ત કરવા માટે આપણે બધા એકબીજાનો સહકાર લઈએ। આભાર, થેન્ક યુ।